और बात करते हैं ग्वालियर की, जहां एक एनआरआई प्रोफेसर को व्यवसायी पिता पुत्र ने 4 लाख रुपए की चपत लगा दी। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के मयूर मार्केट की है और घटना की जानकारी उस समय लगी जब पीड़ित ने व्यवसायी पिता पुत्र के द्वारा दिए गए चेक बैंक में लगाया तो वो बाउंस हो गए। वही पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामले को दर्ज कर लिया है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के मयूर मार्केट के रहने वाले आदित्य सिंह पुत्र दिनेश सिंह बैंक प्रोफेसर है और अभी चाइना के जेनयांग शहर में पदस्थ है। उनकी कुछ जमीन बैतूल में है, जिनमें होने वाली फसल का सौदा उन्होंने बैतूल निवासी व्यवसायी निखिल टुटेजा और उनके पिता राम टुटेजा से किया था। फसल 1,01,000 रुपए की बिकी थी, जिसके बाद जल्द ही पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहा। वहीं इंतजार करने के बाद जब पेमेंट नहीं आया तो उन्होंने दबाव बनाया तो पिता पुत्र ने उन्हें 3 चेक थमा दिए। वहीं चेक को बैंक में लगाते ही वो बाउंस हो गया। वहीं पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद पिता पुत्र के खिलाफ मामले को दर्ज कर लिया है। वहीं एक पुलिस पार्टी को बैतूल उनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया गया है। पुलिस की माने तो जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो किसान के द्वारा ये आरोप लगाया, जो कि मूलतः बैतूल का रहने वाला है, और उसके द्वारा यह बताया गया कि 2020 में उसने अपनी फसल काटी थी और लगभग 4 से 5 लाख की फसल थी, तो किसी ने आड़तिया बनकर बैतूल में जो उसकी ज़मीन है, किसी ने आड़तिया बनकर और उससे बोला कि मैं आपकी फसल बेच दूंगा और पैसा दे दूंगा, तो इस आधार पर उसने अपनी वो फसल उसको दे दी बेचने के लिए। और उसके द्वारा जब दबाव बनाया गया, जब उसने पैसा नहीं दिया दबाव बनाया गया, तो फिर उसने अपने चेक दे दिए जो चेक भी बाउंस हो गए। और जब उसके बारे में पता किया तो किसी प्रकार का कोई भी आड़तिया नहीं है, वो इसी तरह का धोखा सभी के साथ करता है। तो इस आधार पर थाना थाटीपुर में IPC सेक्शन 420-406 के तहत पिता पुत्र जो कि आड़तिया के रूप में जिन्होंने फ्रॉड किया है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है।